वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश बाल भारती का फोर्थ लेसन, नो ईच अदर फ्रॉम यूनिट वन। अब देखिए, नो ईच अदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से पहचान। देखो, जब हम स्कूल में जब नए नए एडमिशन लेते हैं, तब हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें हम जानते नहीं है, जिसका नाम भी हमें नहीं पता होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनसे दोस्ती बनाने के लिए उन्हें कुछ सवाल पूछते हैं। देखो, यहाँ भी कुछ ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे, और वो एक दूसरे से पहचान बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो नो ईच अदर, एक दूसरे से पहचान बना रहे हैं। तो लेट अस लिसन एंड से। देखो, यहाँ पे ये बच्ची क्या बोल रही है, हेलो व्हाट इज योर नेम। देखो, ये बच्ची इस बच्चे से पूछ रही है उसको फ्रेंड बनाने के लिए, हेलो व्हाट इज योर नेम, हेलो कि तुम्हारा नाम क्या है। बाद में ये जो बच्चा है वो उसे आंसर देता है, हेलो माय नेम इज सोहम, व्हाट इज योर नेम। उसने पहले अपना नाम बताया, बाद में उसका पूछा कि हेलो माय नेम इज सोहम, मैं सोहम हूँ, एंड व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बच्ची क्या कहती है, देखो, आई एम रीमा, हाउ ओल्ड आर यू। ये बच्ची क्या कह रही है कि मेरा नाम रीमा है, एंड हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। ये बच्चा यानी कि सोहम क्या कह रहा है उसे, आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड, मैं 6 साल का हूं। गुड मॉर्निंग, दिस इज माई फादर, हिज नेम इज रमेश, ही इज अ डॉक्टर। वो क्या कहती है, देखो, वो अपने पापा के साथ आई है। देखो, यहाँ पे वो अपने पापा के साथ आई हुई है और उसके पापा कौन है, डॉक्टर है। तो वो क्या कह रही है, गुड मॉर्निंग, कौन कह रही है, रीमा, गुड मॉर्निंग, दिस इज माय फादर, ये मेरे पापा है, हिज नेम इज रमेश, उनका नाम रमेश है, ही इज अ डॉक्टर। कौन कह रही है, रीमा कह रही है कि ये मेरे पापा है और उनका नाम रमेश है और वो डॉक्टर है। देन देखो, सोहम भी कुछ कह रहा है, वो भी अपने मम्मी के साथ आया है शायद, गुड मॉर्निंग, दिस इज माई मदर। सोहम भी क्या कह रहा है कि गुड मॉर्निंग, ये मेरी मम्मा है यानी मम्मी है, हर नेम इज प्रिया, उसका नाम प्रिया है, शी इज अ टीचर, वो टीचर है। देखो, इन दोनों बच्चों ने कितने अच्छे तरह से एक दूसरे से सवाल कर दोस्ती बनाई हुई है और अपने साथ में एक दूसरे की पहचान तो बना ही ली है, लेकिन अपने मम्मी पापा को भी पहचान, मम्मी पापा की भी पहचान करा दी है। ओके, अब हम देखेंगे, लेट्स लर्न अल्फाबेट। हमें यहाँ पे क्या लर्न करना है, अल्फाबेट। लुक एंड से। देखो, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स दिए हैं जो हमने सीनियर केजी में भी पढ़े हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सारे लेटर्स हमने पिछले साल में पढ़े भी है और लिखे भी है। अब हमें क्या करना है, टेल अ वर्ड दैट बिगिंस विथ एनी लेटर। देखो, जैसे कि टी से हमने टेबल बनाया है, टी ए बी एल ई टेबल, बी से बैट, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, सी से क्या बनाया है, सी ए टी कैट, और डी से डी ओ जी डॉग, एक्सेट्रा। हर लेटर के कुछ ना कुछ वर्ड्स तो होते हैं, ये वर्ड्स हमने बनाए हैं। लुक एंड से। देखो, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स दिए हैं, कैपिटल लेटर्स। देखो, हमने ये नर्सरी में ही पढ़े थे,
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUV WXYZ। ये हमने नर्सरी में ही पढ़े थे। अब हमें देखना है, देखो ये लेसन यहाँ तक खत्म हो गया है, तो हमें आज होमवर्क में ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये मैं आपको आज सॉल्व करके दूंगी, आपको इसे 4 लाइन की नोटबुक में लिखना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट योर होमवर्क नाउ। देखो, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।